मूवी स्ट्राइप प्रस्तुत करता है इन आवर प्राइम। मूवी के डायरेक्टर है डोंग हॉन पार्क और आईएमडीबी रेटिंग 6.5 है। डोंग हॉन एकेडमी, जहां साउथ कोरिया के टॉप 1% स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिलता है, वेलफेयर रिजर्व्ड कोटा से हान जैसे कुछ और स्टूडेंट्स को भी एडमिशन दिया जाता है। यहाँ के सारे बच्चे जीनियस हैं। आजकल कोई भी बच्चा स्कूल पे पढ़ाई के लिए डिपेंडेंट नहीं रहता, सारे कोचिंग क्लासेस लेते हैं, क्लास टीचर को भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बच गए हैं तो हान की तरह मिडिल क्लास के बच्चे, जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। उसका क्लास टीचर भी उसे दूसरे कॉलेज ट्रांसफ़र के लिए फोर्स करता है, क्योंकि ऐसे मार्क्स से तो वो यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगा। हान को यहाँ भर्ती हुए 8 महीने के ऊपर हो चुका है, मगर उसका कोई दोस्त नहीं बना। उसे भी धीरे धीरे उसके यहाँ रहना बेमायने लगने लगा है। एक दिन उसके रूममेट्स ने मिलकर दारू पीने का प्लान बनाया। उसे लगा कि इस तरह शायद वो उनका भी दोस्त बन जाए, लेकिन नाइट गार्ड के हाथों पकड़ा गया। अगले दिन क्लासरूम में सबके सामने खड़ा हान से टीचर उसके अलावा और बाकी लोगों का नाम पूछ रहा है, क्योंकि वहाँ 4 दारू की बॉटल्स हैं। हान ने दोस्ती के खातिर चुप रहा और उसे 1 महीने के लिए हॉस्टल से सस्पेंड कर दिया गया। ये सब उसकी क्लासमेट बोराम ध्यान से देख रही है। हान सोच रहा है, माँ को पता चला तो उन्हें बहुत दुख होगा। तभी उसके नए बने दोस्तों ने उसे कई सालों से बंद पुराने साइंस बिल्डिंग में रहने का सुझाव दिया। पहले भी ऐसे केसेस में स्टूडेंट्स वहीं रहे हैं। अब बोराम उसे एकेडमी से बाहर जाते देख बोली, तुम्हें बाकी 3 लोगों का नाम भी बता देना चाहिए था, इससे सभी को सज़ा मिलती और तुम्हारी सज़ा सिर्फ 1 हफ्ते की होती। हान कोई इंटरेस्ट ना दिखाकर वहाँ से चला गया और अपने घर आया। उसकी माँ एक कॉल सेंटर में काम करती है, जो शिफ्ट के हिसाब से चलता है। उसके पापा नहीं हैं, 10 साल पहले रोड एक्सीडेंट में वो मारे गए। घर की दीवारें हान की मेरिट सर्टिफिकेट से भरी हुई है। हान घर के काम करने लगा। उसने सिंक में पड़े बर्तन धोए, कपड़े धोकर सुखाया, घर की साफ सफाई की और माँ का इंतज़ार करने लगा। उसकी माँ आई और उसे देखकर बहुत खुश हुई। अपने बेटे को स्कूल यूनिफॉर्म में देख उनकी आंखें नमी होने लगी। तुम जैसा होनहार बेटा पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। हान उन्हें और कुछ कह ही नहीं पाया, बस इतना ही, माँ मैं सिर्फ कुछ बुक्स लेने आया था, अब वापस जाना होगा, नहीं तो हॉस्टल बंद हो जाएगा। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। कोई जगह ना पाकर वो उसी साइंस बिल्डिंग के पास जाकर छुप गया। तभी राउंड लगाता नाइट गार्ड ने उसे गीले कपड़ों में सामान के साथ पकड़ लिया। पूछने पे उसने बताया कि कल रात पकड़े जाने की वजह से उसे सस्पेंड किया गया है और उसके पेरेंट्स वेकेशन पे हैं। उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है। गार्ड उसे अपने स्टाफ क्वार्टर ले आया रात काटने भर के लिए। हान सोफा पर ही पढ़ते पढ़ते सो गया। सुबह होते ही गार्ड ने उसे अपने सामान के साथ यहाँ से जाने को कहा। क्लास में टीचर मैथ होमवर्क असाइनमेंट के आंसर डिस्कस कर रहा है, तो हान अपना असाइनमेंट देखकर चौंक गया कि सारे आंसर सही लिखे हुए हैं जो उसने नहीं लिखे हैं। स्कूल ख़त्म होते ही वो उसी गार्ड के पास पूछने गया कि क्या ये सारे मैथ इक्वेशन उसने सॉल्व किए हैं, लेकिन गार्ड ने उसे बिना कुछ कहे कमरे से निकाल दिया। स्टडी रूम में हान ने बाकी बच्चों को कहते सुना कि कल के असाइनमेंट उनके महंगे कोचिंग के प्राइवेट टीचर्स भी सॉल्व नहीं कर पाए थे। इधर हान फिर से मैथ होमवर्क करते हुए अटक गया। अब वो रोज़ उसी गार्ड के आगे पीछे घूमने लगा ताकि वो उसकी मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर दे, लेकिन गार्ड उसे हमेशा भगा देता। एक दिन कुछ टीचर्स आपस में बात कर रहे हैं कि रिजर्व कोटा से जो गरीब बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं वो इस हाई सोसाइटी स्कूल का माहौल बिगाड़ देते हैं। हान के क्लास टीचर ने कहा, मेरी भी क्लास में हान नाम का ऐसा ही एक लड़का है, उसकी माँ कॉल सेंटर में काम करती है, उसे यहाँ से ट्रांसफ़र कर उसके लायक किसी स्कूल में भेजने का सोच रहा हूँ। वही डस्टबिन से कचरा इकट्ठा कर रहा गार्ड सब सुन रहा है। रात को दोबारा हान गार्ड के पास आया। इस बार गार्ड ने उससे बात की। उसने पूछा, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ से ट्रांसफ़र क्यों नहीं ले लेते। हान ने सब बता दिया कि कैसे उसकी माँ ने इतनी मेहनत से उसे यहाँ तक पहुँचाया है। गार्ड का कोई रिएक्शन ना देख वो निराश होकर वहाँ से जाने लगा।
तभी गार्ड ने उसे एक पर्ची दी जिसमें साइंस बिल्डिंग रूम नंबर 103 लिखा है और उसे कल से स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक लाने को कहा जो गार्ड हमेशा पीता है। हान तो एकदम से खुश हो गया। अगली सुबह गार्ड अपने पुराने दोस्त चियोल के पास गया जो पुरानी चीज़ों का स्टोर चलाता है, साथ ही एक यूनियन लीडर भी है। नॉर्थ कोरिया से जो लोग यहाँ साउथ कोरिया आते हैं उनके अधिकारियों की सुरक्षा के लिए। टेबल पे रखा हुआ लेजर रजिस्टर को देख रहा गार्ड से चियोल ने कहा, तुम क्यों एक नाइट गार्ड की नौकरी कर रहे हो? यहाँ मेरे पास आ जाओ, बेहतर नौकरी दूंगा। पर वो नहीं माना। उसके वहाँ से उसने कुछ टेबल लैम्प्स खरीदे और जाते वक्त चियोल से कहा, तुम्हारा लेजर का हिसाब गलत है, उसमें 43 सेंट्स ज़्यादा लिखा है। रात में हान साइंस बिल्डिंग के रूम नंबर 103 में पहुँचा जहाँ गार्ड पहले से मौजूद है। सिखाना शुरू करने से पहले उसे 3 रूल्स बताए। पहला, वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। दूसरा, मैथ के अलावा और कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। और तीसरा, वो सिर्फ उसे मैथ पढ़ाएगा पर इससे उसके मार्क्स या ग्रेड्स का कोई लेना देना नहीं होगा। पहला सवाल उसने एलिमेंट्री क्लास का दिया जो उसने तुरंत सॉल्व कर दिए, लेकिन उसका जवाब गलत निकला। गार्ड ने कहा, ये सवाल ही गलत है। हान बोला, फिर इसमें मेरी क्या गलती जब सवाल ही गलत है? तब गार्ड बोला, सवाल का जवाब ढूंढना ज़रूरी है मगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सवाल को जानना, क्योंकि गलत सवाल का कभी सही जवाब नहीं मिल सकता। और इसी के साथ फ्लैशबैक में दिखाता है कि किसी मैथ कंपटीशन में 2 बच्चे बैठे हैं जिन्हें प्राइस में 1-1 फाउंटेन पेन मिलता है। रात काफ़ी हो जाने की वजह से अभी कोई बस नहीं है। हान ने गार्ड से रात में रुकने की जगह मांगी। गार्ड उसे स्टाफ क्वार्टर ले आया। वहाँ हान ने एक पुराना टेप रिकॉर्डर देखा जिसे प्ले करते ही फेमस म्यूजिशियन योहान सेबेस्टियन बैक का म्यूजिक बजने लगा। हान चौंक कर बोला, अरे वाह, आपको भी ये पसंद है, लेकिन इस टेप रिकॉर्डर की आवाज़ ज़रा धीमी है। फिर उसने अपने फ़ोन पर म्यूजिक चला दी। हैरान होकर गार्ड फ़ोन से निकलते म्यूजिक को सुनने लगा। वो बोला, अगर ये पूरी दुनिया ख़त्म भी हो जाए तो सेबेस्टियन बैक के म्यूज़िक से दोबारा हर तरह के म्यूज़िक को बनाया जा सकता है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ म्यूज़िक भी कहा जाता है। थोड़ी देर बाद हान ने पूछा, कि आप सच में नॉर्थ कोरिया से यहाँ आए हैं? आपकी फैमिली कहाँ है? गार्ड उसे रूल नंबर 2 याद दिलाता है, मैथ के बिना और कोई दूसरे सवाल नहीं, और मुड़कर सो गया। हर बार की तरह डोंगुन अकेडमी में पाइथागोरस अवार्ड कंडक्ट होने वाला है जिसमें 3 विनर्स होते हैं। ये वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिशन है, लेकिन इस बार ये पाइथागोरस उनके फाइनल एग्ज़ाम में रहेगा, यानी हर एक स्टूडेंट्स को अपना 100% देकर पास करना होगा जो आगे के यूनिवर्सिटी एडमिशन में हेल्प करेगा। स्टूडेंट के पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है। इधर बोराम हान को रोज एक स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक खरीदते हुए देखती है। दिन गुजरने लगे। अब मैथ में कमज़ोर हान बस उन सवालों के हल नहीं निकालता जिनके सॉल्यूशन हैं, बल्कि वो सवाल भी बनाता है जिनके आज तक कोई जवाब नहीं निकले, उन्हें प्रूफ करता। रात रात भर अलग अलग थीसिस पढ़ता। गार्ड भी उसके प्रोग्रेस को देख रहा है। भले ही सवाल के जवाब अभी गलत है मगर सवाल को समझने, देखने और उसका हल निकालने का तरीका बदल चुका है। बोराम भी हान की तरह रिजर्व्ड कोटा से है, मगर फ़र्क इतना है, हान जैसे गरीब बच्चों को सरकार फंड करती है जबकि बोराम अमीर है और उसके पेरेंट्स फीस भरते हैं। उसकी माँ को भी पाइथागोरस फाइनल एग्ज़ाम के बारे में पता चला और वो बोराम को एक नए और बहुत ही महंगे शुरू हो रहे कोचिंग क्लास में एडमिशन करवा रही है जो टॉप सोसाइटी के बच्चे को अच्छे नंबर लाने में मदद करेगा। एक दिन चुपचाप बैठे हान को देख गार्ड ने वजह पूछी, उसके एक रिजर्व कोटा वाले दोस्त ने ट्रांसफ़र ले लिया है। हम जैसे स्टूडेंट फैकल्टीज़ का समय बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि महंगे ट्यूशंस, लाइफस्टाइल हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना। सब सुन रहा गार्ड ने कहा, मैथ के सवाल की तरह ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। जब तक प्रूफ नहीं होता अपनी कोशिश मत छोड़ना, तब तक
ट्रांसफर की कोई बात नहीं होगी। यहाँ हान का पीछा करती बोराम अचानक उनके नाइट क्लास में आ पहुंची। गार्ड ने उसके भोलेपन बचपने को देख क्लास में आने की इजाज़त दे दी, लेकिन ये बात राज रहनी चाहिए। बोराम बहुत अच्छा पियानो बजाती है। फिर गार्ड ने पाई के वैल्यू पे उसे पियानो कीज बजाने को कहा। दोनों मिलकर एक बेहतरीन म्यूजिक पियानो में बजाने लगे। हान ये देख हैरान रह गया और बोराम तो इतनी खुश है, ऐसा तो किसी हाई क्लास कोचिंग में भी नहीं समझाया गया है। एक दिन क्लास में हान ने मैथ टीचर के एक सवाल पे गलती निकाल दी तो टीचर को ये बात हजम नहीं हुई और उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। अब यहाँ हान क्लास मॉनिटर से स्टडी मटेरियल रूम की चाबी मांगता है, क्योंकि उसे गार्ड के लिए मैथ थीसिस के प्रिंटआउट्स निकालने हैं। उनको मैथ इतना पसंद है लेकिन उनके पास पढ़ने के लिए बुक्स और थीसिस नहीं है। उसने गार्ड को वो थीसिस दिए, जिसे देखकर गार्ड बहुत खुश हो गया। आज उनका फाइनल एग्ज़ाम है, लेकिन एग्ज़ाम के बीच में ही बोराम अचानक उठकर चली गई। हान ने उसे बहुत मैसेजेस और कॉल्स किए पर उसका कोई जवाब नहीं आया। उसी दिन तीनों का लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस देखने का प्लान था। इधर बोराम ने एक अननोन नाम से एकेडमी के साइट में पोस्ट कर दिया कि फाइनल एग्ज़ाम के पेपर लीक हुए हैं। दरअसल उस दिन बोराम ने जानबूझकर पेपर नहीं दिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस स्पेशल कोचिंग क्लास में पहले से ही करवा दिए थे। इस न्यूज़ ने पूरे एकेडमी में तहलका मचा दिया। प्रिंसिपल और स्टाफ्स के बीच बहस हो रही है, जल्द से जल्द सच का पता लगाए और उसे कड़ी सज़ा दी जाए, उनके रेपुटेशन का सवाल है। ज़्यादा पैसे लेकर स्पेशल कोचिंग क्लास चलाना, जहां आने वाले एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पहले ही करवा देना, ये पूरा प्लान लेकर चल रहा था मैथ टीचर, जिसकी अब हालत ख़राब हो रही है। अपनी जान बचाने के लिए उसे किसी को तो बकरा बनाना होगा। इधर हान और वो गार्ड अब ज़्यादा समय साथ बिताने लगे, बाहर जाना, साथ खाना खाना। एक बार बिलिंग काउंटर के सामने किसी ने गार्ड को मिस्टर ली हाक संग कहकर पुकारा। ली हक संग नॉर्थ कोरिया का एक मशहूर मैथमेटिशियन है जो कई सालों से लापता है। उस आदमी ने उसके काफ़ी लेक्चर्स अटेंड किए हैं। गार्ड थोड़ा हिचकिचाते हुए जल्दी में वहाँ से निकल गया। लंच टाइम है, टीवी पे न्यूज़ आ रही है कि मैथ के रीमन हाइपोथीसिस के मुश्किल सवाल को 160 साल बाद नॉर्थ कोरिया के मैथ जीनियस ली हक संग के थीसिस ने प्रूफ कर दिया है। अगर ये एक्सेप्ट हो गया तो मानव जाति के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा और वो नोबल प्राइज़ के सीधे दावेदार बन जाएंगे। ये न्यूज़ सुनते ही हान भागते हुए गार्ड को बताने पहुंचा, मगर उसने गुस्से में उसे किसी को भी इसका जिक्र करने से भी मना कर दिया। ये न्यूज़ उसका दोस्त और यूनियन लीडर चियोल ने भी सुना। अब यहाँ वही मैथ टीचर हान के सामने शर्त रख रहा है, या तो वो ट्रांसफ़र ले ले, नहीं तो उसकी स्टडी मटेरियल वाले रूम में जाने की वीडियो क्लिप्स सबके सामने आ जाएगी और उसका करियर ख़त्म हो जाएगा। जिस रात हान गार्ड के लिए थीसिस के प्रिंटआउट निकालने स्टडी मटेरियल रूम गया था, उस दिन की सीसीटीवी फुटेज टीचर के हाथ लग गई है और अब वो उस पर दबाव डाल रहा है। 2 महीने पहले तक तुम एक एवरेज स्टूडेंट थे, मगर इस पर 70% मार्क्स। सबको यही लगेगा कि तुमने पेपर चोरी की है, कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। ये झूठा इल्ज़ाम अपने सर पर लो और मैं तुम्हारा अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा। जी वो बुरी तरह से डर चुका है। ली हक संग के थीसिस नोबल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट होने के बाद सब उसके पीछे पड़ गए। नॉर्थ कोरिया के लोग उसे फोर्स कर वापस बुला रहे हैं। इधर साउथ कोरिया की मीडिया उसे TV पे आने के लिए प्रेशराइज कर रही है। लेकिन वो क्या चाहता है? हमेशा काम में डूबे रहने से वो अपनी बीमार बीवी की देखभाल नहीं कर सका। फिर जब नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट उसके रिसर्च को हथियार बनाने में इस्तेमाल करने लगे, तब वो इल्लीगली अपने बेटे तायून को लेकर साउथ कोरिया भाग आया। लेकिन यहाँ के स्टूडेंट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। रोज़ लड़ाई झगड़े करके वो वापस घर आता। ऐसा चलता रहा और एक दिन मिस्टर ली के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। उसने समुद्र तैर कर भागने की कोशिश की और बॉर्डर पुलिस ने तायून को शूट कर दिया, जिसके बाद से ली बिल्कुल अकेला हो गया।
उसे अब कोई नाम शहरत नहीं चाहिए। उसके सीने में एक बूढ़े बाप का दिल रो रहा है। जब हान उसके पास आया, ली ये जगह छोड़कर जा रहा है। वहाँ उनकी अनबन हो गई। हान कहने लगा, ऐसे वो बीच में सब कुछ छोड़कर कैसे जा सकता है? तो फिर उसने उसे ट्रांसफ़र लेने से क्यों रोका? क्यों कहा कि खुद पर विश्वास करो? मगर ली नहीं रुका। हान के सर से पिता का साया एक बार फिर छिन गया। अकेला रह गया हान ने हार कर ट्रांसफ़र फॉर्म पे साइन कर दिया। इधर ली के ना चाहते हुए भी उसे इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा। एयरपोर्ट में बैठा उसे एक लड़का अपने बेटे जैसा लगा। उसके साथ बिताए दिन उसे याद आने लगे। इधर पाइथागोरस अवार्ड सेरेमनी का दिन आया और आज ही हान भी यहाँ से जा रहा है। तभी ली को बुराम का फ़ोन आया। हान पे लगे इल्ज़ाम और उसका ट्रांसफ़र, ये सारी बात उसने बता दी। कुछ देर होटल के कमरे में खामोश बैठे रहने के बाद उसने अपने बेटे के पालतू कछुए को नदी में बहा दिया, जो उसके पास पिछले 4 साल से था। इसका मतलब उसने अपने अतीत के बोझ से, उन तकलीफ से, उन यादों से खुद को भी आज़ाद कर दिया। क्योंकि कुछ भी हो जाए, ज़िंदगी नहीं रुकती, हमें उसके साथ कदम से कदम मिलाना ही पड़ता है। हान को जाते देख बुराम उसका बैग उठाकर ऑडिटोरियम की तरफ भागी। मजबूरन उसे भी उसके पीछे आना पड़ा। सेरेमनी शुरू हुई। थोड़ी देर बाद मिस्टर ली वहाँ आए और उसने वही फाउंटेन पेन दिखाया, जिसके बाद किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आए हुए गेस्ट मैथमेटिक्स स्कॉलर्स ने उन्हें झट से पहचान लिया। उसके बाद ली ने सबको उसी महंगे कोचिंग क्लासेस की असलियत बताई और कहा वो किसी बच्चे के पढ़ने के अधिकार को मरता नहीं देख सकता। अपनी असलियत सामने आने पे मैथ टीचर गुस्से से वहाँ से चला गया। अब ली का दोस्त उसे इंटरव्यू ले जाने के बजाय यहाँ से दूसरे देश निकालने में मदद करता है। 3 साल गुजर गए। हान अपने दम पर आज वहाँ पहुँच गया जहाँ पहुँचना हर मैथमेटिशियन का सपना होता है। वहाँ उसकी दोबारा मुलाकात मिस्टर ली से हुई और उनके साथ हान का एक नया सफ़र शुरू हो गया और कहानी यही ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर लें। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।